दुनिया की तारीख के लंबे तेरी सियासत की चर्चे हैं, दुनिया की तारीख के लंबे तेरी सियासत की चर्चे हैं, तेरे तदब्बुर के बाद के तेरे फरासत की चर्चे हैं। जिला प्रिंसिपल साहब बहुत बसात जाएगा और मेरे हम मुख्य साथियों अस्सलाम वालेकुम दुनिया में अजीम लोग रोज बरोज पैदा नहीं होते बल्कि तारीख को अबद से इंतजार करना पड़ता है। कानूनी कुदरत है, जब हर जुल्म के पहरे होते हैं तो उस वक्त लोग जहिंदा की तलाश में होते हैं। 25 दिसंबर 1876 को एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिसके लिए मुसलमाना ने सदियों से मुंतजर थे, क्योंकि इस अदालत पर मुख्तार मुस्लिम रियासत का ख्वाब देखा गया था। और कायद आजम ने 14 अगस्त 1947 को अपनी सियासी बसीरत मोहम्मद से मुसलमाना की बका वस्तानती की खातिर पाकिस्तान की सूरत में पूरा किया। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से हिंद का वो शिस्ता रहे जो मुस्तकबिल पर 76 साल चमकता रहा, जिसकी रोशन किरणें आज भी पाकिस्तान की शक्ल में इस आलम को मुनव्वर कर रही है। पहुंचा गया जो मंजिल मकसूद तक, पहुंचा गया जो मंजिल मकसूद तक, अमीर कारवाता मोहम्मद अली जिन्ना। जिला प्रिंसिपल साहब 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने हिंदू को असलियत को जाहिर कर दिया। आप हिंदुस्तान से गोवा वापस आए और 1929 में अपना 14 रिकॉर्ड पेश करते हुए मुसलमानों की आज़ादी तहरीक का बेड़ा उठा लिया। देखते ही देखते पूरे बरसगीर में दो कौमी नजरिया जो पकड़ने लगा और तमाम मुसलमानों का एक मंजिल का रास्ता मिल गया। अलावा मोहम्मद इकबाल जानते थे कि कायद आजम ही वो शख्स जो मुसलमानों की रहनुमाई कर सकते हैं। मुसलमानों की आज़ादी की तहरीक पर हिंदू बहुत तरफ रहा, लेकिन कायद आजम की कैद और सियासी बसीरत के सामने जम ना सके। आखिर कैद में मुसलमानों को आज़ादी की किरण नजर आ रही थी और आज़ादी जब जेब तेज से तस्तर होती चली गई। आखिर मुसलमान विरासत का दल और मुख्तार रियासत मुआरज वजूद में आया। सियासत की आवाज़ ने मुसलमान जो जेब की और बरसगीर के मुसलमानों को पाकिस्तान तोहफे में दिया। नक्शे बेमानी में एक रंग हकीकत भर दिया, नक्शे बेमानी में एक रंग हकीकत भर दिया, अहमद हिंदू नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। आपने पाकिस्तान के लिए बड़ी सख्त मेहनत की, आपकी सेहत दिन बदिन बिगड़ने लगी और 11 सितंबर 1928 को अपने हालांकि हकीकत से जान ले। आपने मेहनत सब पाकिस्तान के अजीम रहनुमा को सलाम पेश करते हैं। शुक्रिया।